गर्मियों में पेयजल समस्या को देखते हुए पेयजल विभाग ठोस कदम उठाने जा रहा है। हल्द्वानी शहर में अभी 70 एमएलडी के लगभग पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि डिमांड 80 से 82 एमएलडी रोजाना की है। पेयजल विभाग के अधीक्षक अभियंता के मुताबिक हल्द्वानी शहर के अधिकतर हिस्सों में जल जीवन मिशन के कार्य मार्च माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे। उन क्षेत्रों के लिए अलग से चलाई जा रही पेयजल योजना शुरू हो जाएगी। फिलहाल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल किल्लत शुरू हो सकती है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी जो हमारी डिमांड है वो 80 से 82 एमएलडी के आसपास है और हमें कहीं 70 से 72 एमएलडी के आसपास पानी मिल रहा है, तो 10 एमएलडी का तो अभी डिफेक्ट है ही पानी में हमारे पास। कुछ इलाकों में क्राइसिस हो रहा है क्या अभी? जैसे गर्मी शुरू होने वाली है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ते के साथ ही जो हमारे टेल एंड के एरियाज हैं उन एरियाज में दिक्कत चालू हो जाती है, जैसे बिठोरिया हो गया, हमारा लालडंग का एरिया हो गया। लेकिन वहाँ पर जब जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, ये कार्य जैसे ही मार्च के बाद में पूरे होंगे तो उन एरियों के लिए अलग से जो पेयजल योजनाएँ हैं वो सुचारू हो जाएंगी। तो काफ़ी हद तक जो है इन गर्मियों में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं मिलता था उन क्षेत्रों को उन योजनाओं का लाभ मिलना चालू हो जाए।